नमस्कार, जय नेट न्यूज के जम्मू कश्मीर समाचारों में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तरी कश्मीर में एलएटी कमांडर गिरफ्तार, सेना पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में एक दूसरा आतंकी भी हुआ ढेर। ड्रग स्कैम मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ने पकड़ा जोर। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी ने किया प्रदर्शन, डॉक्टरों के साथ टीचर्स और व्यापारी भी हुए एकजुट। श्रीनगर के ऊपरी इलाके बरजूला की रहने वाली युवती महवेश मुश्ताक ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार किया है, डायल कश्मीर। इस एप्लीकेशन में सरकारी और निजी दफ्तरों के कई विभागों के कुल 500 नंबर डाले गए हैं। इस एप्लीकेशन में कई तरह की जानकारियां जैसे पता, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह की डिटेल भी मौजूद है। आपको बता दें, 23 साल के मुश्ताक पहली कश्मीरी युवती है जिसने इस तरह का एप्लीकेशन तैयार किया है। कॉन्सेप्ट मेरे को पहले से ही था कि कश्मीर के लिए तो कुछ करना है यूजफुल, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है नंबर ढूंढने में, नंबर या अगर कुछ भी वेबसाइट चाहिए होती है तो डिफिकल्टी हो जाती है ढूंढने में कि कहाँ से इंसान, या लोकल्स के लिए भी, इनफैक्ट टूरिस्ट के लिए भी डिफिकल्ट, मतलब ये डिफिकल्टी हो जाती है ढूंढने में। तो वही मतलब एंड्रॉयड कोर्स किया था तो सोचा मतलब कुछ यूजफुल और हेल्पफुल बना लेते हैं कश्मीर के लिए। इसमें कश्मीर के ऑलमोस्ट सारे अभी एसेंशियल सर्विसेज जो है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनके नंबर्स, वेबसाइट्स और एड्रेसेस हैं उनके, मतलब जैसे ये गैस एजेंसीज है, पुलिस स्टेशन है, फायर ये है, उन सब के नंबर्स है। इसमें एनजीओज वगैरह का भी नंबर मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं बिजनेस ऐड करने वाली हूँ इसमें।